सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। सो गाइस, काफ़ी बंदों का डाउट था कि गाइस हम फ्री फायर पीसी पे कैसे खेल सकते हैं। उनको पता ही नहीं है बंदों को कि हम फ्री फायर पीसी पे कैसे खेल सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो इसी टॉपिक के रिलेटेड होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे फ्री फायर को पीसी पे खेल सकते हो बिल्कुल स्मूथ एवं बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है यार। और इस वीडियो पे हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। तो प्लीज़ गाइज, लाइक टारगेट कंप्लीट करना है गाइज आपको और वीडियो पूरा देखना है, ठीक है गाइज। तो करते हैं गाइज वीडियो को शुरू। सो गाइज, मैं यूज़ करता हूँ MSI ऐप प्लेयर, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं MSI ऐप प्लेयर यूज़ करता हूँ। मैं आप सभी को बता दूंगा कि आपको कौन से वर्ज़न का MSI ऐप प्लेयर यूज़ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब चीज़ इंस्टॉलेशन सब चीज़ बता दूंगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो, मैं सेटिंग में एक बार दिखा देता हूँ आपको कि कैसे कैसे आपको अबाउट दिखा देता हूँ गाइज। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं MSI ऐप प्लेयर का वर्ज़न 4 यूज़ करता हूँ, और वर्ज़न आप देख पा रहे होंगे 4.80.5.1004, ये मेरा वर्ज़न है, ठीक है। तो आप सोचोगे कि यार ये वर्ज़न मिलेगा कहाँ से, तो क्या चिंता मत करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ मीडिया फायर किया, कुछ कोई एडवर्ट का झंझट नहीं है। सीधा मैं लिंक कॉपी पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नो वरी, ठीक है। यहाँ से सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब बात चलते हैं कि आप कैसे इंस्टॉल करोगे, ठीक है गाइज। मैंने 4th वर्ज़न डाउनलोड कर लिया, जैसा कि आप सभी देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर आ चुका है फोल्डर। वो एक रार फाइल है, ठीक है, विनरार फाइल, उसको अनजिप कर लेना, ठीक है, डेस्कटॉप पे या जहाँ भी आपका मन करे वहाँ कर लेना। और जैसे उसको आप खोलोगे, यहाँ पे ब्लू स्टैक का वो खुल जाएगा इंस्टॉलर। और सिंपली सबको आता है कि भाई इंस्टॉल कैसे करते हैं, मैंने आपको सॉफ्टवेयर दे दिया, सिंपली आपको उसे डबल टैप करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, यस, ठीक है, आप यस कर देना। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो मेरे में ये दिखा रहा है, ठीक है, आप लोग देख रहे हो मेरा में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वाला, ये देखो, है ना, इंस्टॉल्ड है ना। सो आपको करना क्या है, आपको सिंपली कुछ कुछ नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना, इंस्टॉल सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। 5-10, मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं, और आपके CPU पर डिपेंड करता है कि आपका कितना उसमें होएगा, ठीक है। तो डेस्कटॉप फाइल बन जाएगी, आपको उसके बाद इसको खोलना है सीधा, ठीक है। मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है, जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, तो आपको सिंपल अपना सॉफ्टवेयर ओपन करना है, MSI ऐप प्लेयर को ओपन करना है, ठीक है। मेरे में सब चीज़ हुआ पड़ा है, ठीक है, मेरे में पहले से ही सब चीज़ हुआ पड़ा था। तो मैं इसलिए नहीं हटा रहा क्योंकि यार मेरे को सेटिंग करने में ना बहुत टाइम लग जाता है, तो यार सेटिंग करने में यार फिर गेम खेलने में ना तो पूरा दिक्कत हो जाएगी, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। आपको सिंपली प्ले स्टोर का वहाँ पर आएगा, ठीक है, प्ले स्टोर में अपनी कोई भी एक रेंडम आईडी है आपके पास, कोई भी, उस वाली आईडी को लॉग इन कर लेना है। यहाँ पर सिंपली लिखना है फ्री फायर, जैसे आप फ्री फायर लिखोगे यहाँ पर फ्री फायर आ जाएगा, ठीक है। फ्री फायर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड आप लोग अपना डाउनलोड पर लगा लो तब तक, ठीक है, हो गया आपका डाउनलोड। जब डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपली अपना फ्री फायर ओपन करना है, ठीक है। चलो मैं अपना फ्री फायर ओपन कर लेता हूँ। और गाइज, इसका ना बहुत मेन सेटिंग्स होती है कुछ इसकी, वो सेटिंग ना आपको कृपया ध्यान से देख लेना, कभी आप फिर बाद में कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि यार भाई मेरा ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। प्लीज़ यार वीडियो के वो थोड़ा ध्यान से देख लेना आप, कि सारे डाउट आपके ना सारे इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। देखोगे ये मेरा अकाउंट है, मैंने लॉगिन कर लिया अपना अकाउंट यहाँ पे। अब मैं चेक कर लेता हूँ सब चीज़ कि भाई कैसे कैसे क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको अपना वर्ज़न चेक कर लेना है, जो वर्ज़न मैंने दिया वही है, ठीक है। अबाउट में ज़्यादा सीधा जाके ये वाला चेक कर लेना कि हाँ भाई मेरा और आपका सेम है वर्ज़न 4, ठीक है। अब चलते हैं सबसे पहली सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, ठीक है। तो गाइज, मैं कस्टम साइज़ यूज़ करता हूँ रेजोल्यूशंस के लिए, क्योंकि यार क्योंकि मैं थोड़ा हाई थोड़ा थोड़ा सा हाई एंड पीसी है, सो इसलिए मैं थोड़ा सा वो यूज़ कर लेता हूँ, हाई एंड मतलब वो रेजोल्यूशन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपकी डिस्प्ले कितने उसकी है रेजोल्यूशन, मेरी नॉर्मली सबकी अब ये आती है 1920x1080 ये होती है, अगर किसी की छोटी होती है तो वो 1280x720 भी कर लेता है यूज़, ठीक है। तो आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप 1920x1080 कर लो यूज़, ठीक है, वो मोर देन इनफ रहता है, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं DPI 1080 के लिए DPI आपको 240 यूज़ करनी है, ठीक है। मैं 4K के लिए करता हूँ 320, और आपको यूज़ करनी है 280, ठीक है। DPI तो वैसे भी आप कभी भी कर सकते हो, अपने लिए जैसा आपको मन करे वैसा कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे क्लियर, और नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, इंजन पे। इंजन पे देख बताता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। तो हमेशा कभी भी आपके में ग्राफिक कार्ड है नहीं है तो भी वर्क कर जाता है, हमेशा आपको ओपन जीएल से ही चलाना है, क्योंकि एमुलेटर सारे ओपन जीएल से चलते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे सीपीयू कोर्स पूछेगा, सीपीयू कोर्स, ठीक है। सीपीयू कोर्स मोस्ट ऑफ द जिनके पास हाई एंड पीसी होता है वो तो 4 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं। आप सीपीयू कोर्स देखो, किसी का डुअल कोर होता है, किसी का कैसा होता है, तो कोर्स या तो रिकमेंडेड होते हैं 2 या 3, या फिर जो पीछे से सेटिंग है वही रख लेना, ठीक है। आप लोग कोई दिक्कत नहीं है उससे भी, ठीक है, चल जाएगा। और जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि मेरा थोड़ा हाई एंड पीसी, तो मैं फ्रेम रेट भी थोड़ा 90 का देख सकते हो, मैं 90 फ्रेम रेट्स लेता हूँ, तो आप फ्रेम रेट 60 फ्रेम रेट्स में भी खेल सकती हो लो एंड पीसीज के लिए। और जिनका बढ़िया पीसी है, बढ़िया लैपटॉप है, तो भाई आपके मज़े ही मज़े हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन बॉस की में, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हम चलते हैं एडवांस में, ठीक है। यहाँ पे आप मेन सेटिंग कर सकते हो, अगर आपको गेम में 90 FPS पे खेलना है फॉर हाई एंड पीसीज, आपको यहाँ पर ऑरस नहीं, एसुस का ROG 2 सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप सेलेक्ट कर दोगे ना, आपका सेव चेंज कर, रिस्टार्ट आएगा, रिस्टार्ट कर लेना, दोबारा से सेटिंग्स कर लेना हुई, फिर आपको ना यहाँ पे इंजन में जाएगा ना आप, तो यहाँ पे आपको इनेबल हाई फ्रेम रेट कर देना है हाई एंड पीसीज के लिए। लो एंड पीसीज के लिए जो रिकमेंडेड सेटिंग आएंगे ना, उनमें कोई रहने देना, उनको आपको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये सब मत छेड़ना, कोई दिक्कत नहीं है। और अपडेट 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 ये है सब अपना, ठीक है, वर्जन वर्जन। अब चलते हैं गेम, गेम इनमें क्या होता है, गेम के अंदर की सेटिंग बताता हूँ आपको सब चीज़, ठीक है। सबसे पहले आपको गेम में जाना है, कंट्रोल्स में जाना है, कंट्रोल में जाके कस्टम हुड सेटिंग, ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे आना है आपको। और नीचे देख रहे हो, यहाँ पे नीचे एक कीबोर्ड का सा बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे एडिट और एडवांस सेटिंग, अब जैसे यहाँ पे आ जाओगे आप लोगों को बहुत सारी कीज दिख रही होंगी, आप कन्फ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं थोड़ा सेटिंग कर देता हूँ एक मिनट, क्योंकि ऐसे ना बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, भाई ये क्या खुल गया हमारे आगे, भाई क्या हो गया, तो मैं सभी समझा देता हूँ। ये है हमारा एम के लिए मैप खोलना, ठीक है, और मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्ट में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आपका जो जॉयस्टिक होता है ना, ये वाला जॉयस्टिक यहाँ पे होता है, तो गेम से उठा के यहाँ पे रखना है आपको, ठीक है। नहीं पहले मैं आपको वैसे बताता हूँ, रुको, हाँ पहले तो आपको ये वाली सेटिंग कर लेनी है जो मैंने कर रखी है। देखो जैसे ये यहाँ होता है तो इसको यहाँ पे ले आना, क्योंकि इधर साइड ना क्या होता है, ये थोड़ा स्टक कर देता है, किसी का एम स्टक होता है ना, एम स्टक प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों के साथ, तो जो ये स्टिक आ जाती है बीच में आ जाती है, किसी का इधर आ जाती है, किसी का इधर आ जाती है, कहीं भी घूमती रहती है, तो इसको ना सिंपल है इधर कर दो, या फिर इसका साइज़ वाइज कम कर लो, अपने हिसाब से साइज़ कर लो, छोटा साइज़ कर लो, ठीक है। छोटा साइज़ रहता है तो ऐसा थोड़ा कम होता है, बड़ा साइज़ थोड़ा वैसा होता है, ठीक है, अपने हिसाब से कर लेना। और जो भागने का होता है, स्विफ्ट मतलब भागने के लिए, स्प्रिंट के लिए जो होता है, उसको थोड़ा यहाँ पे रख लो, कहीं पे भी रख लो, कहीं इस मतलब इधर के एरिया में आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। मतलब मैंने इधर रखा हुआ है, साइज़ वाइज अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, जो मैंने साइज़ रखा वो भी रख सकते हो आप, ठीक है। और ये एम बटन हो गया अपना, ये सब सेटिंग वेटिंग देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है। और हम चलते हैं फिर अब इन बिल्ड सेटिंग्स में, इसकी ब्लू स्टैक्स की, मतलब एक टाइप का ब्लू स्टैक ही होता है ये, तो अब यहाँ पे आपको ये सीट सेटिंग अलग मिलेगी बिल्कुल, ठीक है। आपको ये सब उठा उठा के रखना पड़ेगा, उधर से उधर, उधर से उधर, सब चीज़ करना पड़ेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जहाँ मेरी चीज़ें हुई उनको उठा उठा के रख लेना। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको वैसे क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यार सेटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार, तो आप लोग समझ सकते हो कि यार थोड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे को, मैं सेटिंग भूल भी जाता हूँ, सेंसिटिविटी प्रॉब्लम, तो वो हो जाता है, ठीक है। आप सिर्फ सब सेम टू सेम ऐसे कर लेना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या नहीं छेड़ रहा है, एक तो लेफ्ट राइट डाउन अप एफ जी एफ, इन बटन्स को बिल्कुल मत छेड़ना, क्योंकि आपके ये प्री बिल्ड सेट हुए होते हैं, जी को भी मत छेड़ना, बस इनको रीनेम ज़रूर कर सकते हो भाई, रीनेम करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, सीधा इसको हो जाएगा। और आपको कोई की ऐड करनी है, जैसे कि अगर आपको की ऐड करनी है, सिंपली क्लिक करो, है ना, और माइक बंद करने के लिए कोई भी की डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया यू। अरे भाई क्यों बुला रहे हो यार, ये यार कभी भी बुलाने लगते हैं भाई, मत बुलाओ गुरुजी, मत बुलाओ, हम कहाँ थे, हाँ हम यहाँ थे। अगर आपको कोई भी की ऐड करनी है, जैसे देखो दोबारा से बताता हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे क्लिक करना है एनी वेयर ऑन द एबलेटर, आप जैसे ही कोई भी की रखना चाहते हो, मैंने जैसे यू रख दी, यू को उठा के वहाँ पे रख दो, ठीक है, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप का काम होता है, बहुत सिंपल होता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं अपन हम अपनी एम सेंसिटिविटी पे, एम सेंसिटिविटी यहाँ पे काम खत्म हो गया, अब चलते हैं एम सेंसिटिविटी, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये तो वैसे ही मैंने रखा हुआ है। हाँ जैसे कि आप सभी देख सकते हो ना, यहाँ पे दिख रहा है, ये बटन आपको ऑलरेडी यहीं पर आएगा, ठीक है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है,
ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके आगे बहुत सारी सेटिंग खुलेंगे, बहुत सारे आप खोलोगे क्या फलाना ढिमकाना क्या भाई क्या खुलेगा। ठीक है, मैं आपको सब चीज़ नॉर्मली बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब तो आपके जैसे हैं, इसको रहने दो जैसा भी आपका सेट है। माउस सेंसिटिविटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मेरे हिसाब से रख सकते हो, डिपेंड करता है आपका माउस कैसा है, गेमिंग माउस है नॉर्मल माउस है, सब चीज़ डिपेंड करता है यार। हम कभी सेंसिटिविटी किसी की पे मास्टरी नहीं कर सकते, हमेशा मेक योर ओन सेंसिटिविटी। ठीक है, कभी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कॉपी करके नहीं खेल पाओगे यार, किसी हर किसी के हाथ का खेलने का तरीका अलग होता है। तो सिंपल है यार, आप लोग देख सकते हो मैं सेंसिटिविटी रखता हूँ 0.17, और ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ गाइस, ट्रिक्स 10 ही रखना, क्योंकि ट्रिक्स अगर आप ब्लू स्टैक में कम करते हो तो वो वहाँ दिक्कत देता है, बट MSI प्लेयर में ट्रिक्स को आपको 10 ही रखना पड़ेगा। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको 10 ही रखें। ठीक है, माउस सेंसिटिविटी वाई इसको 3.5 रख सकते हो, 3.0 रख सकते हो, ठीक है, कैसा भी कितना भी रख सकते हो, बाकी ये सब मत छेड़ना। ठीक है ना, और यहाँ से सब काम हो जाएगा। ठीक है, जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाए तो गाइज यहाँ पे सेव का बटन है, सेव पे जरूर क्लिक कर देना, सेव करने के बाद इसको काट देना। ठीक है, अब आपको यहाँ से सब चीज़ क्लियर हो चुकी है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने वीडियो ढंग से देखी है, सब चीज़ समझा है। ठीक है, मैंने सब चीज़ बता दी नॉर्मल तरीके से, और अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहोगे मैं वो भी बना दूँगा, कमेंट में बता देना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और चलते हैं बेसिक सेंसिटिविटी पे, नहीं बेसिक मनी, हाँ ये रहा सेंसिटिविटी, यहाँ पे चलते हैं मेन थिंग। मैं जनरल खेलता हूँ बिल्कुल 1 पे, या 0 पे लगा लो वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं 1 पे खेलता हूँ, रेड डॉट मेरा 7 रहता है, ये सब देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेंसिटिविटी बढ़ाई हुई है, इसलिए मैंने गेम की सेंसिटिविटी कम कर दी, ये इन गेम सेंसिटिविटी है। और मैं आप दिखाऊंगा आपको अपनी माउस की सेंसिटिविटी, मैं अपनी माउस की सेंसिटिविटी क्या यूज़ करता हूँ MSI ऐप प्लेयर के लिए। जैसे कि आप सभी देख सकते हो मेरा लॉजिटेक का माउस है, ठीक है, सो देख सकते हो, मैं दिखाऊँ मेरा ब्लू स्टैक आ गया, देखो यहाँ पे ये मैं करता हूँ, यहाँ पे आप लोग दिखाता हूँ किधर भाई किधर, ये रखा। मैं ब्लू स्टैक के लिए 1000 सेंसिटिविटी यूज़ करता हूँ। ठीक है, मतलब मैं 1000 की DPI पे खेलता हूँ, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, 1000 DPI पे अपन लोग खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बढ़िया एकदम। और अगर आपका नॉर्मल माउस है, आप कहोगे भाई मेरे में यार DPI का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करूँ मैं, सो आप फिर नॉर्मल DPI होती है, उन माउसों में एक नॉर्मल DPI आती है, उसी DPI पे खेलना, उसी DPI पे आपको सेटिंग बनानी पड़ेगी, वो थोड़ा हार्ड होता है। इसमें क्या है, इसमें हमको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, थोड़ा महंगे माउस में ये होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम गाइस, बढ़िया एकदम। जिनके पास अच्छा माउस होगा वो 1000 पे खेल लेंगे, जिनके पास थोड़ा लो एंड माउस है वो भी कर सकते हो अपना काम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं, थोड़ा मैं आपको गेम प्ले दिखा देता हूँ कि आप कैसे कैसे कर सकते हो, क्योंकि सब चीज़ अपने का सेट हो चुका है, मेरी की मैपिंग हो चुकी है, सब चीज़ हो चुकी है। अब थोड़ा ट्रेनिंग खेलते हैं, ट्रेनिंग में जाना है आपको। और गाइस ठीक है, मैच में मत घुसना यार, मैच में घुस के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मर जाओगे। सबसे पहले ट्रेनिंग में आना, ट्रेनिंग में आके अपना स्टार्ट कर दो। गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है गेम इंस्टॉलिंग या फिर एमुलेटर इंस्टॉलिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है, सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन करके कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा आ जाना, बात करके सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। मैं 24 घंटे जीएसटी वाले के सर्वर पे रहता हूं, या फिर अपने सर्वर पे, मैं दोनों सर्वर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर किसी को नई प्रॉब्लम होती तो नो वरी, मुझे तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।